नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में। अगर आपके गुलाब के पौधे पर कलियां नहीं आ रही हैं तो आपको सिर्फ थोड़ी सी देखरेख करनी है तो आपका गुलाब का पौधा कलियों से भर जाएगा। देखिए, ये मेरा गुलाब का पौधा है, ये मैंने अभी बारिश के शुरुआत में ही कलम लगाई थी। देखिए, जो भी सूखी पत्तियाँ या सूखी टहनियाँ जो भी हो रही हैं, पहले तो हमें उन सबको निकाल कर साफ कर देना है। जहाँ भी कोई फूल होता है, अगर हम उसे, ये देखिए यहाँ पर फूल लगा हुआ था और मैंने ऊपर से उसको तोड़ दिया, तो अब उसी के साइड में से ब्रांच निकल रही है और इस ब्रांच में एक नई बर्ड्स बनेगी, एक नई कली बनेगी। इस तरीके से ही फूल आते रहते हैं और फिर जब हम उनको तोड़ देते हैं तो वहीं से नई ब्रांचेज निकलती हैं और फिर से उन पर फूल आते हैं। इसी तरह से ये रेगुलर वो चलता रहता है और आपके पौधे पर कभी भी फूल ख़त्म नहीं होंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है तो इसके साइड में भी एक फूल आया हुआ था जो मैंने तोड़ दिया है, उसके साइड से ये छोटी सी ब्रांच निकलने लगी है। एक नीचे देखिए, ये देखिए, अब इसी ब्रांच में थोड़ा सा आगे बढ़ते ही बर्ड्स बननी शुरू हो जाएगी और वो बहुत ही सुंदर फूल बनेगा। जहाँ भी इसमें छोटी छोटी, ये देखिए, सूखी पत्तियाँ या सूखी टहनियाँ हो रही है, पहले हमें उन सबको निकाल देना है। गमले में जो भी नीचे आपके घास हो रही हो उस सबको खोद के साफ कर देना है। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं, जबकि मेरा पौधा भी बहुत छोटा है। ये देखिए, ये देखिए, और इस छोटे से काम से ही, ये देखिए, ये नई ब्रांच निकली है और इसमें भी छोटी सी बर्ड्स बन जाएगी। ये मेरा दूसरा गुलाब का पौधा है, ये देखिए, इसमें भी यही काम कर रही हूँ ताकि इसमें भी नई नई बर्ड्स बन सके। ये वाइट वाला अभी बहुत छोटा है, इसमें कुछ, ये समझिए कि इसमें पहला फूल ही लगा है। इसे हमें तोड़ देना है या फिर हमें इसकी प्रूनिंग करने के लिए किसी भी जो प्रूनिंग वो होता है हमारा, जैसे सीजर वगैरह, या किसी भी उससे काट देना है प्रूनर से। लेकिन हमें इसकी दो जो आँख बोलते हैं उसे छोड़कर काटना है। ये देखिए, ये सूखी टहनी तब हो जाती है, जैसे मान लो हमने हाथ से ही तोड़ दिया और पौधे में कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लग जाता है तो उसकी वजह से ये ऊपर की टहनी सूख जाती है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ से भी हम प्रूनिंग करें वहाँ पर या तो हम हल्दी का पेस्ट लगा दें या चूने का पेस्ट लगा दें या फिर एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से फूल की वो तोड़ी हुई है तो ये इसके ये साइड में से ही ब्रांच निकली और यहाँ पर भी कली आ गई है। ये नहीं, गुलाब के पौधे में वैसे तो वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर की खाद डाल सकते हैं हम, लेकिन इसमें अगर हम केले के छिलकों की और प्याज वगैरह की, इनकी हम अपने घर पर ही खाद बनाकर डालें तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। देखिए, इसमें भी सूखी पत्तियां हैं, पहले हम इन सारी सूखी पत्तियों को हटा देंगे। ये अभी मैंने गमले के नीचे से सारी जो घास या जो भी वो लगा हुआ था वो सब मैंने साफ कर लिया है। अब ये थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर इसमें हमें खाद डालकर मिलानी है। ये धीरे धीरे दोनों तरफ से गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। हमारे किसी भी पौधे के लिए खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अधिक ज़रूरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से तो पौधे की जड़ व तना और पत्तियाँ, इन सब का विकास होने में सहायता मिलती है, और फास्फोरस से पौधे के विकास में जो फल फूल बनने में वो होती है, प्रोसेस होता है, उसमें सहायता मिलती है, और पोटेशियम विपरीत परिस्थितियों में पौधे को सहन करने की क्षमता देता है। ये देखिए, यहाँ से मैंने टहनी तोड़ी थी तो मैंने पेस्ट नहीं लगाया, मैंने चूना ऐसे ही लगा दिया, आप पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये टहनी सूखेगी नहीं और इसी के साइड में से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाएगी जिसपे हमारी नए बर्ड्स बनेगी। अब जो मैं वर्मी कंपोस्ट की खाद दे रही हूँ उसमें मैंने आधा चम्मच चूना भी मिलाया हुआ है। चूना जो हमारे हानिकारक जीव होते हैं पौधे में, वो नीचे जो भी जड़ों में लगे होते हैं उन सबको ख़त्म करता है और इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे से खाद को फोड़ के और बारीक करके और इसे मैं मिट्टी में मिला देना है।
जड़ से थोड़ी सी दूरी रखनी है, जड़ के बिल्कुल नज़दीक नहीं करना है, क्योंकि धूप अगर तेज होगी तो फिर जड़ जलने का खतरा रहता है। इसलिए से मिट्टी को मिट्टी में बराबर मिला देते हैं। देखिए अच्छी तरह से इसे चारों तरफ मिट्टी को डालते हुए मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये इसमें मैंने दो दिन पहले रात में प्याज के छिलके डाल के पानी में रख दिए थे, जिससे इसे बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है। इसमें आप केले के छिलके भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों में पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो ये सब पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, और इससे उनकी पत्तियां हरी रहती हैं, पौधे की बढ़वार में मदद मिलती है, और नई नई कलियां, नई नई बर्ड्स बनती हैं, और फूलों से भरा रहता है हमारा पौधा।